मुख्यमंत्री गहलोत का मेवाड़ वागड़ दौरा, चैनपुरिया पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत, महंगाई रात कैंप का किया अवलोकन, विकास कार्यों की दी सौगात। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन, भाजपा पर जमकर साधा निशाना, कहा हमने विकास कार्यों में नहीं छोड़ी कोई कसर। बांसवाड़ा के घाटोल में ग्रामीणों का अनोखा अंदाज, लोक गीतों पर नाच गाकर जताया मुख्यमंत्री का आभार, सत्कार से गदगद हुए गहलोत। मुख्यमंत्री गहलोत का बांसवाड़ा दौरा, दिव्यांग दंपत्ति से मिले मुख्यमंत्री, जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री ने पूछी समस्या, चर्चा के दौरान बोले मुख्यमंत्री मिलेगा स्कूटी का लाभ। प्रतापगढ़ में जनसभा करने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत मीडिया से मुखातिब, कहा लोगों को कैंप में मिल रही राहत, लाखों पट्टे हुए वितरित, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही राहत। राजस्थान के 29 महाविद्यालयों में शुरू होंगे नवीन संकाय, संचालन के लिए 253 नवीन पदों का होगा सृजन, मुख्यमंत्री गहलोत ने फैसलों की दी जानकारी। राजस्थान भाजपा में बड़े फेरबदल के संकेत, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में गुपचुप मंथन, आज गृहमंत्री शाह और नड्डा लेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की बैठक। किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि, दौसा के भंडाना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, सचिन पायलट सहित कई पदाधिकारी रहे शामिल। प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, वहीं 6 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। भीलवाड़ा पुलिस ने पकड़ी डोडा पोस्ट से भरी हुई गाड़ी, गश्त के दौरान 6 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पकड़ी गाड़ी, आरोपी गाड़ी को सड़क किनारे छोड़कर हुआ फरार, 148 किलो डोडा बरामद। अलवर में चोरों ने झांसा देकर महिला के खुलवाए सोने के कुंडल, चाय के पैसे मांगने पर झांसा देकर कुंडल चोरी करके हुए फरार, पुलिस कर रही मामले की जांच। चुरू में पिछले 9 दिनों से किसानों का धरना जारी, बीमा क्लेम मांग को लेकर दे रहे धरना, मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा धरना। टोंक में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला, पीड़ित के खाते से उड़ाए 4.5 लाख रुपए, युवक के बैंक जाने पर हुआ वारदात का खुलासा, मामले की जांच कर रही पुलिस। कोटा में जीप पलटने से हादसा, हादसे में 3 की मौत, 4 लोग घायल, घायलों का न्यू मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस कर रही मामले की जांच। जयपुर के चैनपुरा में भागवत कथा का समापन, 5 जून से 11 जून तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया आयोजन, अवसर पर आरएसी कर्मियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने किया प्रसाद ग्रहण। झुंझुनू के चिड़ावा में आरपीएफ शिवरतन गोदारा ने संभाला नया कार्यभार, चिड़ावा के डीवाईएसपी पद पर किया ज्वाइन, इलाके में सुरक्षा बढ़ाने पर दे रहे ध्यान। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में तेज रफ्तार एक कहर ने ली जान, हाई स्पीड रोडवेज बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, पुलिस कर रही मामले की जांच। अलवर के चामरोदा में कुत्तों का आतंक, चलती बाइक के बीच आया कुत्ता, बाइक फिसलने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने बयान किए दर्ज। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ कसेरू मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, रोडवेज बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार की मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस। मेहंदीपुर बालाजी की सेवा कुंज धर्मशाला में सुसाइड का मामला, ग्रामीणों ने धर्मशाला मालिक पर लगाया मारने का आरोप, ग्रामीणों ने धर्मशाला के आगे दिया धरना। उदयपुर में सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर भाजपा का प्रदर्शन, मूर्ति अनावरण का भाजपा ने किया विरोध, 12 जून को मुख्यमंत्री गहलोत करने वाले अनावरण। झुंझुनू के चिड़ावा में विधायक जेपी चंदेलिया ने पिछड़ावा पंचायत समिति में लगे कैंप का किया निरीक्षण, कांग्रेस नेता मेहर कटारिया राधेश्याम सुखाड़िया रहे मौजूद, लाभार्थियों को बांटे महंगाई राहत गारंटी कार्ड। झुंझुनू के सिंघाना में डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही, 5 दिन पहले आंधी से टूटा बिजली का पोल, बिजली पोल टूटकर पेड़ पर अटका, ग्रामीणों को सता रहा बड़े हादसे का डर, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। अजमेर में अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुलिया में गिरी पिकअप, तेज गति कारण पिकअप का बिगड़ा संतुलन, कोई जनहानि नहीं, बड़ा हादसा टला, कालसेरा से हनुमंतपुरा खेड़ा के मध्य की घटना। अलवर में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 1 बाइक सवार की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, शादी में शामिल होकर घर लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा। झुंझुनू के डॉक्टर कैलाश राहल की अनूठी पहल, मरीजों का किया मुफ्त इलाज, 40वें जन्मदिन पर आयोजित किया कैंप।
नागौर के डीडवाना की छोटी खाटू तहसील आज रही पूर्णतः बंद। डीडवाना को जिला मुख्यालय बनाने के समर्थन में बंद। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी बंद के समर्थन में उतरे। भीलवाड़ा के रायला में 21 ट्रकों को किराए पर लेकर कबाड़ी को बेचने का मामला आया सामने। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच की शुरू। टोंक के देवली में हथियारों को देकर रोमांचित हुए विद्यार्थी। राजकीय दरबार स्कूल में आयोजित शिविर में 180 संभागीय स्काउट व गाइडों ने मैं स्टाफ किया भ्रमण। जयपुर में पारिक समाज जनसेवा संस्थान की ओर से गणगौर लहरिया महोत्सव का आयोजन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्यक्रम में की शिरकत। टोंक के नगर फोर्ट में पानी भराव को लेकर भूख हड़ताल। तहसील कार्यालय के सामने 5 दिन से हड़ताल पर बैठा हरिजन परिवार। फोर्ट ग्रामीण विकास अधिकारी ने आश्वासन देकर करवाई हड़ताल खत्म। भाजपा की 13 जून को जयपुर में होने वाली जन आक्रोश यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। चाकसू में भाजपाइयों ने क्षेत्र में गांवों कस्बों व ढाणियों में लोगों से किया जनसंपर्क। अधिक संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील। कोटपुतली में रायगढ़ समाज की बैठक में समाज ने लिया बड़ा फैसला। कहा मृत्यु भोज में ना खाएंगे ना ही खिलाएंगे। समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर लिया गया फैसला। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया रेनवाल स्टेशन का दौरा। अव्यवस्था देख स्टेशन मास्टर को लगाई फटकार। यात्रियों ने की जन शताब्दी ट्रेन के ठहराव की मांग। हिंडौन में फिर देखने को मिला तेज रफ्तार कहर। तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर, राहगीर की मौत। ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। सुजानगढ़ की सासी बस्ती में युवक की आत्महत्या का मामला। मामले को लेकर आया नया मोड़। मरने से पहले वीडियो आए सामने। वीडियो में मरने की वजह पत्नी को बताया। बीकानेर में श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की कार्यकारिणी का चुनाव। 10,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए बनाए गए 2 केंद्र। हनुमानगढ़ में युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भादरा के गांव छानी बड़ी का है मामला। 15 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस कर रही मामले की जांच। ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर दुल्हन फरार। पड़ोसियों को सुबह बेहोश मिला पीड़ित पक्ष। पीड़ितों को पहुंचाया आरबीएम अस्पताल। जैसलमेर के रामगढ़ रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। तनोट दर्शन कर वापस जैसलमेर जाते वक्त हुआ हादसा। गाड़ी में सवार एक महिला को आई सिर पर चोट। कोटा में अनियंत्रित होकर पलटी जीप। 3 लोगों की मौके पर मौत। 4 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। झालावाड़ के चोर बल्डी गांव के ग्रामीणों ने पुलिस उपाधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। उन्हेल एसएचओ व कांस्टेबल पर कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता कुलदीप वर्मा से मारपीट का आरोप। बीकानेर में यूआईटी टीम पर हमला। पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने गई थी यूआईटी टीम। लोगों ने किया पथराव। राजसमंद की देवगढ़ नगर पालिका प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। कच्ची बस्ती रातड़िया का बाडला में दिया कार्रवाई को अंजाम। उदयपुर में धार्मिक यात्रा पर आए लोगों से धोखाधड़ी का मामला आया सामने। हिरण मगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट पर लगा ठगी का आरोप। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। राजसमंद में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत। देलवाड़ा स्थित लोधा पुलिया के नीचे की घटना। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। सुजानगढ़ के ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र लोहारा गाड़ा में तनाव मुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिकता कार्यक्रम का आयोजन। कैप्टन शिव सिंह और डीवाईएसपी राम प्रताप बिश्नोई ने कार्यक्रम में की शिरकत। तनाव मुक्त रहने का दिया संदेश। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना पहुंचे टोडा भीम। बाजार में लोगों से की मुलाकात। 13 जून को आहूत जन आंदोलन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा। टोंक कलेक्टर ने बीएलओ को किया निलंबित। घर घर सर्वे पर करने पर आरोप। घर घर सर्वे करने का आरोप। बूथ लेवल अधिकारियों को भी बरगलाने का आरोप। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने जारी किया आदेश। राजस्थान में चक्रवात बिपरजॉय का असर। 6 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। सीकर झुंझुनू भरतपुर अलवर में तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश। जयपुर के रेनवाल में कृषि कार्य करते समय पलटा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। सूचना पर रेनवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी। बूंदी के केशव राय पाटन ने बदमाश चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में 3 मकानों को बनाया निशाना। लाखों रुपए के जेवरात नकदी सफाया। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। झालावाड़ में छात्रा ने कीटनाशक किया सेवन। परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस कर रही मामले की जांच।
जोधपुर में तालाब में डूबने से मासूम की मौत, देर रात गोताखोरों ने निकाला शव, घर के पीछे बने तालाब में गिरने से हुई मौत। जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर हुआ हादसा, टैंकर और कार के बीच भीषण भिड़ंत, चार की मौत, सात का इलाज जारी, पुलिस कर रही मामले की जांच। जोधपुर में चेन स्निचिंग का मामला, सैर करने गए व्यक्ति गले से झटकी चेन, दो चोरों ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने दो घंटे में किया घटना खुलासा, दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुरू में पति ने धारदार हथियार से पत्नी को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद आरोपी पति ने बेटे के साथ किया आत्महत्या का प्रयास, ग्रामीणों ने आरोपी को कुंड में कूदने से बचाया, मामले की जांच जारी। राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट, कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना, चुरू, सीकर, नागौर और जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर में अलर्ट, मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना। श्री माधोपुर में हिंदुस्तान स्काउट गाइड ने किया रैली का आयोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निकाली जन जागरूकता रैली, शिविर संचालक सहायक राज्य संगठन आयोग विशाल कुमार सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अलवर के मलकाबास में मौसम हत्याकांड मामला, कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन प्रधान ने मृतक के परिजनों को सांत्वना देकर सौंपी आर्थिक सहायता, इस दौरान प्रधान सहित बड़ी तादाद में लोग रहे मौजूद। श्रीगंगानगर गतसिंहपुर में तूफानी बारिश ने मचाई तबाही, तेज अंधड़ और भारी बारिश से कई जगह नुकसान, गिरी दीवारों पर, वहीं टीन शेड समेत पेड़ हुए धराशायी। बस्सी में दर्दनाक सड़क हादसा, ज्ञात वाहन से टकराई कार, चार गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचा अस्पताल, मामले की जांच जारी। चाकसू में राजस्थान प्रांतीय रैगर महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार, लल्लू लाल सोनवाल को प्रदेश सचिव के पद पर किया नियुक्त, चाकसू नगर पालिका में राज्य सरकार से मनोनीत पार्षद भी हैं सोनवाल। नारायणपुर के प्रेमपुरा में तृतीय श्याम जागरण आयोजित, पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने आमजनों किया संबोधित, भ्रष्टाचार पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहिए। नागौर में लाडनू के सुनारी गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के छह लोग घायल, एक की हालत गंभीर, पुलिस ने करीब छह लोगों को शांति भंग में किया गिरफ्तार। अजमेर में चोरी की वारदातों का लगातार बढ़ रहा ग्राफ, चोरों ने क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन को बनाया निशाना, सब स्टेशन से पानी की मोटर, विद्युत केबल, मिट्टी रखने का स्टैंड सहित अन्य सामान पार। अजमेर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान, भाजपा के जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों के साथ रेलवे अधिकारियों ने भी किया श्रमदान। भीलवाड़ा में गोलीबाज पार्षद पर मुकदमा दर्ज, मिर्जापुरी अंदाज में मंदिर में की थी फायरिंग, प्राण प्रतिष्ठा व कलश स्थापना महोत्सव में हर्ष फायरिंग का मामला। पूर्व पार्षद और रामपुरा व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष दीपक अरोड़ा के मकान पर पुलिस की कार्रवाई, पूर्व पार्षद ने पुलिस की कार्रवाई को बताया गलत, कहा पट्टे सुधा मकान के आगे तोड़ा छपरा। बारह जून को कोटा में आयोजित होगी एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला, राजस्थान की सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की कार्यशाला का होगा आयोजन। जयपुर में विभिन्न ऐतिहासिक धार्मिक और प्रसिद्ध स्थलों पर किए जा रहे योग कार्यक्रम, रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन द्वारा 21 जून 2023 को आने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत किए जा रहे कार्यक्रम, योग को आमजन को किया जा रहा है योग के प्रति जागरूक। बांसूर में समर योगा अभ्यास का आयोजन, अग्रसेन भवन पर महिला मंडल की ओर से समर योगा आयोजित, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा, महिलाओं को किया जा रहा है योग के प्रति जागरूक। चुरू के रतनगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ का 5वां राज्य परिषद सम्मेलन आयोजित, प्रेम सिंह चौधरी नगर और दुर्गा राम मोगा मंच टाउन हॉल में झंडारोहण के साथ शुरू हुआ सम्मेलन, विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए आमजन को दी गई श्रद्धांजलि। झालावाड़ के सारोला खानपुर दौरे पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता आरके मीणा, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बैठक, बिजली बिलों को जनाधार कार्ड से जोड़कर जनता को राहत दिलाने की कही बात।
बालोतरा के नवगठित पुलिस विशेषाधिकारी हरिशंकर ने किया पदभार ग्रहण। पुलिस अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंटकर किया स्वागत। कहा इस पद के तहत जो टास्क दिया है उसे जल्द से जल्द जिले का स्वरूप दिया जाएगा। झुंझुनू में बलवंतपुरा फाटक के पास हुआ हादसा। कार को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। हादसे में चालक हुआ घायल। मामले की जांच कर रही पुलिस। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी सदस्य पूसाराम गोदारा ने लधासर में आयोजित महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन। लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाकर राजस्थान सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की करी अपील। बसपा के प्रदेश प्रभारी सुब्रत सिंह और प्रदेश महासचिव जगदीश चंद्र पाल का धरियावास क्षेत्र का दौरा। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सभी के लिए बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चैन स्निचिंग मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने आरोपियों को किया कोर्ट में पेश। आरोपी की रिमांड अवधि खत्म होने पर किया गया पेश। कोर्ट ने जेल भेजने के दिए आदेश। अलवर में खेरली रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे रास्ते में आ रहे बाइक सवार के तीन लोगों को निकाला। तीनों को बाहर, पुलिस कर रही मामले की जांच। बानसूर में नाबालिग लड़के का अपहरण कर मारपीट का मामला। आरोपियों ने मारपीट कर लड़के पर लगाया चोरी का आरोप। मां ने कराया मामला दर्ज। पुलिस कर रही मामले की जांच। टोंक के पीली तलाई में एक नाबालिग युवक ने की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द। पुलिस कर रही आत्महत्या के कारणों की जांच। शाहपुरा में मनाया गया हजरत सैयद वाहे मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्ला अलैह उर्फ पीपली वाले साहब का 31वां उर्स। जुलूस रवाना हुआ जो बाजार होते हुए तालाब की पाल पर पीपली वाले बाबा के यहां जाकर संपन्न हुआ। बानसूर में दो बाइकों के आपस में भिड़ंत। एक बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस कर रही मामले की जांच। 20 जून को उदयपुर में आयोजित होगी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ धाम शिव शक्ति मंदिर विकास समिति की ओर से प्रेसवार्ता कर दी गई जानकारी। गुप्तेश्वर नगर विकास समिति अध्यक्ष घनश्याम पालीवाल सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। धौलपुर पुलिस ने 16 आरोपियों के गिरफ्तार। विभिन्न मामलों में कई स्थानों से बदमाशों के गिरफ्तार। पुलिस कर रही बदमाशों से पूछताछ। जैसलमेर में युवती के साथ जबरन फेरे लेने का मामला। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। पुलिस पर निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप। जयपुर में पकड़ा नकली घी बनाने का कारखाना। चांदपुर गेट मालियों के मोहल्ले में चल रही थी फैक्ट्री। 3000 लीटर नकली घी बरामद। कई ब्रांड के नाम से बनाया जा रहा था नकली घी। जयपुर की चोमू थाना पुलिस की कार्रवाई। 5 गौ तस्करों किया गिरफ्तार। 3 गायों को मुक्त कराकर भेजा गौशाला। पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा पुलिस ने 2 शातिर ठगों किया गिरफ्तार। साधु के वेश में करते थे ठगी। 8.5 तोला सोना लग्जरी कार की बरामद। देशभर में 16 से अधिक वारदात करना स्वीकारा। जयपुर की सीएसटी टीम ने 3 तस्करों किया गिरफ्तार। 11 किलो 800 ग्राम गांजा 11 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। जयपुर पुलिस ने वाहन चोरों किया गिरफ्तार। 6 दुपहिया वाहन बरामद। आरोपियों ने कई वारदातों को स्वीकारा। पूछताछ में और भी कई वारदातों खुलासे होने की उम्मीद। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों और विशेषताओं पर संगोष्ठियों किया संबोधित। वहीं भाजपा के दलित बूथ अध्यक्ष के घर किया नाश्ता। दिल्ली के रामलीला मैदान से गर्जे केजरीवाल। कहा तानाशाही खत्म करने के लिए 12 साल बाद फिर इसी मैदान पर हम इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। मणिपुर में जातिगत हिंसा के कारण तनाव जारी। राज्य में सरकार ने टेंट बंद का समय 15 जून तक बढ़ाया। जारी तनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। 23 जून को 15 विपक्षी पार्टियों की पटना में बैठक। राहुल गांधी ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। वहीं स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला हमला। अमित शाह के वार पर संजय राउत का पलटवार। कहा महाराष्ट्र में दंगे जैसे हालात, मणिपुर में क्या हो रहा है आप सभी देख रहे हैं। पुलिस भर्ती के खिलाफ झारखंड राज्य छात्र संघ का 48 घंटे का बंद। झारखंड सरकार की 60-40 फॉर्मूले पर आधारित नई भर्ती नीति खिलाफ हड़ताल। दूसरे दिन भी दिखा बंद का असर। बेहद तेज होगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में जताया बारिश का अनुमान। साथ ही बिपरजॉय के उत्तर की ओर बढ़ने की जताई संभावना।
उत्तराखंड में भूकंप के हल्के झटके महसूस, रिक्टर स्केल पर 2.5 तीव्रता दर्ज। भूकंप केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे, अल्मोड़ा रहा भूकंप का केंद्र। देश में बेरोजगारी दर घटी, मई में गिरकर 7.7% पर पहुंची, प्राइवेट इकोनॉमी थिंक टैंक CMIE ने जारी किया आंकड़े। डिजिटल पेमेंट में भारत ने मारी बाजी, 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन के साथ बना ग्लोबल लीडर। साल 2022 में किए गए 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए। हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक्टर मंगल ढिल्लन का हुआ निधन, कैंसर से ली गई जान। एक्टर यशपाल शर्मा ने निधन की पुष्टि। टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन दुबई की मस्जिद में बुर्का पहने आई नजर, अबू धाबी से शेयर किया वीडियो। अली गोनी सहित कुछ ने लुटाया प्यार तो कुछ ने की आलोचना। सनी देओल के बेटे की होने जा रही शादी, करण देओल की शादी पर दादा धर्मेंद्र ने जाहिर की अपनी खुशी, 16 से 18 जून तक चलेंगे शादी के फंक्शन। जैद दरबार और गौहर खान ने बेटे के साथ शेयर की तस्वीरें, साथ ही बताया बच्चे का नाम, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा हमारा जेहान। रुबीना दिलैक का कार एक्सीडेंट, डॉक्टर्स की निगरानी में एक्ट्रेस, पति अभिनव ने कार की तस्वीरें की शेयर, कहा अब ठीक है रुबीना। साउथ के सुपरस्टार अब्बास अली, जिसने ऐश्वर्या से लेकर तब्बू के साथ किया काम, बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों ने बदला अब्बास का जीवन, कभी मैकेनिक तो कभी बाथरूम क्लीनर बन गुजारी जिंदगी।